कोविड-19 के चलते ये महामारी पूरी दुनिया में फैल रही है। कोविड-19 महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा, इसकी चपेट में करीब करीब पूरी दुनिया आ गई है और हिंदुस्तान में भी, हमारे भारत देश में इसका बहुत प्रभाव हमें दिखाई दिया। लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, अब 4 के हम लास्ट फेज़ में हैं और लॉकडाउन 5 की सरकार तैयारी कर रही है। इस सारे लॉकडाउन के चलते बहुत सारे समाज के हर तबके को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और देश की अर्थव्यवस्था तो चरमरा गई ही, लेकिन साथ ही जो छोटे मोटे कारोबारी है, जो कोई एंटरप्रेन्योर है या ट्रेडर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, इन सब की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। इससे बड़ी समस्या लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद किस तरह से सर्वाइव करना है, यह बड़ा प्रश्न, ये बड़ी समस्या सभी हमारे भारतवासियों के सम्मुख है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने, हमारे भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक पैकेज, आर्थिक पैकेज घोषित किया है। लेकिन इस पैकेज को लेकर बहुत सारे संभ्रम हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहते हैं कि यह पैकेज एक खाली बक्सा है। तो क्या है इस पैकेज में, किसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, किसको क्या राहत मिलने वाली है, किसको क्या सपोर्ट मिलने वाला है, इस विषय में हमने जानकारी हासिल करना चाहिए। हमने बातचीत की है चार्टर्ड अकाउंटेंट श्याम धूत जी से और श्याम धूत जी ने काफ़ी हद तक इस पर रोशनी डाली है और हमें विश्वास है कि जो भी हमारे पास छोटे मोटे कारोबारी है, एंटरप्रेनर्स है या फिर ट्रेडर्स है या कॉन्ट्रैक्टर्स है, उनको ये जानकारी बहुत कुछ सहाय करेगी। तो चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं श्याम धूत जी। दोस्तों नमस्कार। अभी कुछ ही दिन पहले कोविड-19 को चलते हुए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने MSME के लिए एक आर्थिक पैकेज जाहिर किया। लॉकडाउन के चलते हुए भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्रों को एवं हमारे टैक्स कंसल्टेंट मित्रों को कई सारे उनके क्लाइंट का फ़ोन आ रहा है कि जो यह आर्थिक पैकेज जाहिर हुआ है उसके अंदर उनको कुछ बेनिफिट या उनको कुछ आर्थिक सहायता मिल सकती है या नहीं मिल सकती। आज वैसे ही कुछ प्रश्नों का उत्तर हम संक्षिप्त में खोजने का प्रयत्न यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने पैकेज दिया है उसमें सबसे पहला जो MSME के लिए है वह है 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन। तो अब हमें यह जानना होगा कि हम हमारे क्लाइंट को यह बताएं कि यह लोन के माध्यम में है ना कि सब्सिडी के माध्यम में। कुछ प्रश्न हमारे जो क्लाइंट हमको कर रहे हैं वह यह पूछ रहे हैं कि जब भी बोला गया है वह MSME ऐसा वर्ड यूज़ किया गया है तो MSME का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि MSME का मतलब यह है कि इंडस्ट्रियल उद्योग, माने कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ना कि ट्रेडिंग सेक्टर। पर यह हमको यहाँ पर जानना होगा कि यह जो पैकेज, आर्थिक पैकेज दिया गया है उसमें न सिर्फ MSME है बल्कि ट्रेडिंग वाले भी उद्योग यहाँ पर रहेंगे। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप कोई ट्रेडर हैं और आपने किसी बैंक का कर्ज़ा लिया हुआ है तो आपको भी इस पॉलिसी के तहत 20% एडिशनल लोन यहाँ पर मिल सकता है। तो सबसे पहला विषय हमें यह जानना है कि यहाँ पर ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर दोनों को भी एडिशनल लोन की फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। यह फैसिलिटी 20% मतलब 20% आउटस्टैंडिंग लोन। आउटस्टैंडिंग लोन मतलब किस तारीख का आउटस्टैंडिंग लोन, 29 फरवरी 2020। इसका यह मतलब होता है यहाँ पे अगर आउटस्टैंडिंग लोन का उपयोग, शब्द का उपयोग किया गया है, इसका यह मतलब है कि अगर आपने आपके बैंक से कोई टर्म लोन लिया है या कोई कैश क्रेडिट लिया है, इन दोनों को भी मिलाकर 20% आपकी एडिशनल लोन की अमाउंट हो सकती है। लेकिन आपको यह भी पता रहना चाहिए कि यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब है कि अगर मैंने कोई कैश क्रेडिट
लोन बैंक से लिया हुआ है। मेरी फैसिलिटी मतलब मेरा लोन का अमाउंट जो है वह 50 लाख रुपए का है, पर 29 फरवरी 2020 को मैंने सिर्फ बैंक से 30 लाख कर्जा उठाए हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब हुआ कि मेरा 30 लाख रुपए का जो लोन है उसके ऊपर 20%, ना कि 50 लाख रुपए के ऊपर 20%। तो यह चीज़ हमको यहाँ पर समझना होगा। प्रश्न क्रमांक एक था ट्रेडर, तो जी ट्रेडर को भी यहाँ पर आप एडिशनल 20% लोन ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक दो आउटस्टैंडिंग जो लोन है उसके 20%। प्रश्न क्रमांक तीन क्या यह लोन लेते वक्त मुझे कोई और एडिशनल गारंटी या एडिशनल प्रॉपर्टी देने की ज़रूरत है, तो इसका उत्तर है नहीं। आप 20% जो लोन है उस पर कोई भी एडिशनल प्रॉपर्टी आपको बैंक को देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, और यह जो लोन है वो आपको ऑटोमेटिक माध्यम से मिल सकता है। ऑटोमेटिक का मतलब यह है कि बैंक का डिस्क्रिशन मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं है। अगर आपको लोन की आवश्यकता है तो आपको बैंक में जाकर एक एप्लीकेशन करना है और उसके तहत आपको एडिशनल 20% का लोन मिल सकता है। एक प्रश्न यहाँ पर और पूछा जा रहा है कि सर क्या मैं एक नया ट्रेडर हूँ, मैं एक नया बोरोअर हूँ, मेरा कोई भी इसके पहले बैंक में लोन नहीं है, क्या यह फैसिलिटी मुझे मिल सकती है? तो इसका उत्तर है नहीं। देखिए यह फैसिलिटी जो है, यह 3 लाख करोड़ की जो फैसिलिटी दी गई है वह सिर्फ एग्जिस्टिंग बोरोअर्स के लिए दी गई है। एग्जिस्टिंग बोरोअर मतलब आपका कोई ना कोई कर्जा बैंक में होना चाहिए। तो आपका अगर कोई कर्जा बैंक में पहले से है तभी आपको यह फैसिलिटी मिल सकती है। नए बोरोअर के लिए इसमें फैसिलिटी का प्रयोजन नहीं किया गया है। और एक प्रश्न आ रहा है कि सर मेरा हाउसिंग लोन बैंक में है, क्या मुझे अभी 20% एडिशनल लोन मिल सकता है? तो अभी बहुत सारी गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, पर मेरे हिसाब से हाउसिंग लोन के लिए ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है। ये प्रोविज़न सिर्फ ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर के लिए है। तो अगर आपने कोई भी टर्म लोन या कैश क्रेडिट लिया हुआ है बैंक से तभी आपको एडिशनल 20% मिल सकती है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोगों का फ़ोन आ रहा है क्या हमें यह 20% की एडिशनल फैसिलिटी मिल सकती है? तो इस पर मेरा उत्तर है हाँ, कॉन्ट्रैक्टर को भी यह फैसिलिटी 20% की एडिशनल लोन की बिल्कुल मिल सकती है। कोई कॉन्ट्रैक्टर यह भी पूछ रहे हैं कि मेरा बैंक के अंदर नॉन फंड बेस लिमिट है, नॉन फंड बेस लिमिट मतलब बैंक गारंटी है, तो क्या अब मुझे 20% मिल सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ फंड बेस लिमिट की बात की गई है। फंड बेस मतलब जिसमें हमें एक्चुअल पैसा मिला है, जैसा कि कैश क्रेडिट और टर्म लोन, तो फंड बेस लिमिट में ही आपको एडिशनल 20% की फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध हो सकती है। और एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुझे यह पैसा जो अभी मैं 20% बैंक से ले रहा हूँ, मुझे कितने वर्षों में इसको वापस देना है बैंक को? तो इसका उत्तर यह है कि पहले 12 महीने आपको कोई भी ब्याज या मुद्दल जो रकम है वह भरने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक आपको ब्याज नहीं लगाएगा, बैंक आपको ब्याज लगाएगा, लेकिन पहले 1 वर्ष तक आपको इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगले 36 महीने के अंदर यह फैसिलिटी को पूरी तरह से रीपे करना है। इसका मतलब है आपको 36 महीने के हफ्तों में इस फैसिलिटी को बैंक को वापस करना है। इसका मतलब यही है कि यह टेम्प्ररी लोन है, आपको इसको बैंक को चुकाना पड़ेगा। और कुछ बैंकों ने इस स्कीम के आने के पहले ऐसा अनाउंसमेंट किया था कि वह 10% एडिशनल लोन सभी को दे रहे थे, जैसे SBI, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने एक 10% की कोविड रिलीफ का एक स्कीम इसके पहले जाहिर किया था। बहुत सारे हमारे कस्टमर्स ने वह 10% की फैसिलिटी ली। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर क्या वह 10% अलग से मिलेगी और यह 20% अलग से मिलेगी? इसका मतलब यह होता है कि क्या मुझे 30% लोन मिलेगा या मुझे 20% लोन मिलेगा? तो मैंने कुछ बैंक से बात की और यह जानकारी प्राप्त की कि बैंक के अंदर ऐसा सर्कुलर आया है
कि जो नया 20% वह लोन देने वाले हैं उसमें ही ये 10% लोन इंक्लूड है। इसका मतलब है ऐसा नहीं होने वाला कि 10% अलग से और आपको 20% अलग से लोन मिलेगा। इसका यह मतलब होता है कि एडिशनली आपको सिर्फ 20% का लोन प्राप्त होगा। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि 20% लोन लेते हुए क्या क्या पेपर्स मुझे वहाँ पर सबमिट करने हैं। इसके बारे में अभी तक बैंक में कोई गाइडलाइन नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 4 साल का बैंक में आपको कैश फ्लो देने की ज़रूरत है, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि 31 मार्च 2020 का एक प्रोविजनल बैलेंस शीट भी आपको बैंक में देना पड़ेगा, न कि ऑडिटेड बैलेंस शीट देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ऑडिटेड बैलेंस शीट देने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको प्रोविजनल बैलेंस शीट ज़रूर बैंक में देना पड़ेगा अगर आपको नया 20% लोन लेना है। अब कई ऐसे उद्योग हैं जिनको आज यह 20% लोन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके पास में कुछ कैश फ्लो अभी अवेलेबल है, लेकिन उनको यह भी डर लग रहा है कि हो सकता है अगर यह लॉकडाउन और बढ़ा तो उनको आर्थिक विवेचना, आर्थिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे यह कहना है कि यह जो 20% की एडिशनल फैसिलिटी है यह 31 दिसंबर 2020 तक दी गई है। इसका यह मतलब होता है कि अगर आज आपके पास में फंड अवेलेबल है तो आपको डिसीजन लेने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक का टाइम दिया गया है। 31 दिसंबर 2020 तक आप यह फैसिलिटी के लिए बैंक में नई तरह से एप्लीकेशन दे सकते हैं। यह हो गया एक विषय। अब कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि सर इसके अंदर ब्याज दर क्या रहने वाली है, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वह क्या रहेगा। मुझे ऐसा कहना है कि इसका इंटरेस्ट रेट जो है वह कैपिंग पद्धति से है। कैपिंग मतलब टॉप एंड का इंटरेस्ट कई सारे बैंक ने डिसाइड किया हुआ है। अगर आप देखेंगे कि SBI ने जो लोन दिया था COVID-19 के चलते हुए 10% का, वह कुछ 7.45% या 7.75% से दिया गया था। वही बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो लोन दिया था वह 8% से था। तो इसके लिए भी कैपिंग है, ऐसा नहीं है कि किसी को 9% से दे दिया, किसी को 10 से दे दिया, किसी को 11 से दे दिया, बैंकर्स के मन पे है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ इसमें नहीं है। आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यह लोन मिलने वाला है। यह लोन का आपको ज़रूर फायदा होगा क्योंकि आपको इस लोन के चलते हुए आपके आने वाले दिनों में जो खर्चे आपको लगने वाले हैं उसके लिए एक एडिशनल फंड यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही यह फंड अभी जैसा चल रहा है बैंक के अंदर कि पहले अभी आपको 3 महीने तक का मॉरेटोरियम पीरियड दिया गया है, मतलब ब्याज और इंस्टॉलमेंट आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर यह 6 महीने तक नहीं बढ़ाया गया तो हो सकता है कि 3 महीने के बाद में आपको अचानक से पैसे भरने पड़े। तो यह फंड लेकर आप वो पैसा भी भर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जिनके पास में ज़्यादा ब्याज दर से पैसा है बैंक का, वह यह फंड लेकर उसके अंदर भर दे ताकि वह कुछ राहत पा सके। कुछ कम रेट पर यह जो पैसा आपको मिल रहा है उससे आपको राहत मिल सकती है। तो यह कुछ चीज़ें थी जो आपको मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था। साथ ही बहुत सारे लोग, मेरे मित्र ऐसे भी मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर इसके अंदर कोई स्ट्रेस असेट या NPA अकाउंट्स के लिए कुछ नया लोन का प्रोविज़न या राहत दी गई है क्या। तो अगर आप यह सब्सिडी की स्कीम या आप यह सर्कुलर देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि पहला जो हमारा लोन था वह 3 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज था, वह जो अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट हैं, मतलब जो कि NPA नहीं है, उसके लिए दिया गया था। इसमें अभी यह क्लैरिफिकेशन नहीं है कि SMA की एक कैटेगरी है, SMA 1, SMA 2। इस SMA 1 मतलब अगर आपका कोई भी इंस्टॉलमेंट 30 दिन से लेकर 60 दिन तक ड्यू रहता है तो वह SMA 1 है, और 60 दिन से लेकर 90 दिन तक रहता है तो वह SMA 2 है, और 90 दिन के बाद में वो अकाउंट, वह फैसिलिटी NPA हो जाती है। स्टैंडर्ड अकाउंट का मतलब होता है कि इसमें SMA भी आ गए, वह भी स्टैंडर्ड रहते हैं, पर अभी तक SMA 2 के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन यहाँ पर इशू नहीं किया गया है। अब NPA अकाउंट्स या स्ट्रेस अकाउंट्स में क्या होगा, तो
जिस दिन यह आर्थिक पैकेज जाहिर हुआ वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रमांक दो पर यह कहा कि 20,000 करोड़ रुपए वह स्ट्रेस एनपीए अकाउंट्स या स्ट्रेस अकाउंट्स को देने वाले हैं, लेकिन यहां पर अभी तक बैंक की में आज जैसे मैंने फोन करके पूछा तो उनके पास में अभी तक कोई भी गाइडलाइन ठीक तरह से यहां पर नहीं आई है कि किस तरह से वह आर्थिक पैकेज यहां पर हर एक एनपी अकाउंट को या हर एक स्ट्रेस अकाउंट को देने वाले हैं। कुछ मैंने यहां पर अभ्यास किया तो यह पाया कि यह लोन नहीं रहते हुए यह एक बैंक सबऑर्डिनेट डेप्ट के द्वारा एनपी अकाउंट या स्ट्रेस अकाउंट्स को फंडिंग देने वाला है। सबऑर्डिनेट डेप्ट का मतलब यह होता है कि यहाँ पर इक्विटी के माध्यम से बैंक एनपी अकाउंट को लोन देगा, लेकिन सभी एनपी अकाउंट्स को लोन देना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। यहाँ पर मेरा आपको यह रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप कोई एग्जिस्टिंग अगर आपकी कोई एमएसएमई यूनिट है जो चालू है पर एनपीए है, चालू है मतलब अभी ये रनिंग फेज में है लेकिन एनपीए है, तो मेरा यह रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बैंक में जाएं, बैंक को अपना आने वाला कैश फ्लो के बारे में बताएं, उनको यह बताएं कि मैं किस कारणवश एनपीए में चले गया और अब मैं क्या प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले 4 या 5 साल में मैं किस तरह से अपने यूनिट को रिवाइव का मतलब होता है किस तरह से मैं अपने यूनिट को फिर से ढंग से चालू कर सकता हूँ। अगर आप यह बैंक को एक्सप्लेन करेंगे और बैंक को अपने 4 या 5 साल का ठीक तरह से कैश फ्लो देंगे, अगर बैंक को ये लगेगा कि हाँ ये अकाउंट जो है वो आज एनपीए है या आज स्ट्रेस में है लेकिन आने वाले वक्त में यह अकाउंट अच्छा हो सकता है, अच्छी तरह से रन हो सकता है, जो इन्होंने कारण दिए वह सही कारण है और आने वाले दिनों में यह अकाउंट में कुछ प्रगति हो सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर बैंक आपकी आने वाले दिनों में मदद कर सकता है। तो यह जो 20,000 करोड़ का जो फंड दिया गया है वह एनपीए या स्ट्रेस अकाउंट्स के लिए बैंक ने दिया है। तीसरा मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि एक 50,000 करोड़ का और एक फंड बैंक और एक फंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर बताया है जो कि इक्विटी के माध्यम से एमएसएमई उद्योग को दिया जाने वाला है। मेरा यह मानना है कि ये जो 50,000 करोड़ का फंड जो है वह नए यूनिट के लिए, नए एमएसएमई यूनिट्स के लिए एवं नई जो अभी हमारी एमएसएमई यूनिट्स हैं जिसमें कुछ पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, उसके लिए गवर्नमेंट इक्विटी के माध्यम से देना चाह रही है, न कि लोन के माध्यम से। इक्विटी का मतलब होता है जैसे अगर हम कोई भी बिजनेस चालू करते हैं तब हम 100 अगर हमारा 100 रुपये का प्रोजेक्ट का कॉस्ट है तो 25 रुपये हम लगाते हैं और 75 रुपये हमको बैंक देता है। इसमें ऐसा होने वाला है कि 75 रुपये आपको बैंक से दिया जाएगा, 25 रुपये जो आपको लगाना है उसमें से कुछ प्रतिशत गवर्नमेंट आपको इक्विटी के माध्यम से देगा और कुछ प्रतिशत आपको लगाना है। लेकिन यहाँ पर भी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि किसको मिलेगा पैसा, जिसके अंदर या जिसके यूनिट के अंदर कुछ पोटेंशियल है डेवलपमेंट का, तो ये नए यूनिट के लिए एमएसएमई का नया एक इक्विटी फंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है या दिया है। तो यह जो मेजर एमएसएमई के लिए 3 पैकेजेस थे उसके बारे में मैंने आज आपसे यहाँ पर कुछ डिस्कस किया, जितना मुझे जानकारी थी उसके माध्यम से मैं आपको यह बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको लोन या फैसिलिटी मिल सकती है। संक्षिप्त में मैं आपको आखिरी में यह बताना चाहूँगा कि आप जो है वह बैंक में जाकर अगर आपका कोई भी अभी लोन लिया हुआ है तो आप बैंक में जाइए, बैंक के मैनेजर से मिलिए और उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे एडिशनल फंड की ज़रूरत है, मुझे आप 20% का एडिशनल फंड इमीजिएटली दीजिए और उसके अंदर मैं आपको 48 महीनों में उस फंड का, उस पैसे का रिपेमेंट करूँगा। कैलकुलेशन उनको आप करने दीजिए, आपके हिसाब से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और आने वाले समय में इस कोविड के साथ में आप ज़रूर मुकाबला कर सकते हैं। कुछ आखिरी में कुछ मेरे मित्र यह मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर मेरा अब इच्छा है कि नई एमएसएमई मैं स्टार्ट करूं, तो नए एमएसएमई के लिए इस लोन से मुझे क्या मिलने वाला है।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 लाख करोड़ का जो यह पैकेज है वह सिर्फ एग्जिस्टिंग एमएसएमई के लिए है। नए एमएसएमई या नए उद्योग जिनको भी चालू करना है या जिनको उसकी शुरुआत करना है उसके लिए भारत सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही कई सारे पैकेजेस दिए हुए हैं।